हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आज आप सभी के लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए कौन सा सेटअप यूज़ करता हूँ और क्या क्या यूज़ करता हूँ, सामान सारे टोटल मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने लिया था वो था मेरा ये हेलमेट जो कि है स्टर्ड का थंडर E1 डेकोर, और ये ग्राफिक वाला मॉडल है रेड कलर का। और अभी आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी कैसी है और हर एक चीज़। मैंने इसकी वीडियो और बनाई हुई है HF के साथ, इसे कंपेयर किया था, आप वो भी देख सकते हो। आई बटन में लिंक आ जाएगा इस साइड या इस साइड जहाँ पर भी आएगा। ये वाइज़र ले रखा है, क्लियर वाइज़र जो कि मैंने नैनीताल राइड पर यूज़ किया था। ये प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है सेल्फी स्टिक। तो सबसे पहले मैंने जब व्लॉग करना शुरू किया था, व्लॉग के अलावा छोटी मोटी जो वीडियोज़ बनाता था वो मेरे इस गोरिल्ला पॉड से बनी थी, जो कि इतना लूज़ हो गया है और ऐसे हट जाता है, खुल जाता है। मेरे पास एक पुरानी सेल्फी स्टिक रखी थी, ये वृंदावन गया था तब भी मैंने इसके ऊपर एक अजीब सा पावर बैंक बना के लगाया था। ये वो थी ये वाली सेल्फी स्टिक। और इसके ना मतलब जब हम इसको मूव करते हैं कैमरे को, टक 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 टक, देखो अभी आपको आवाज़ आएगी अगर, तो इस तरह की आवाज़ आती थी। तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया और मुझे बैंगूड ने भेजी ये सेल्फी स्टिक जिसको मैंने दोबारा पैक किया है। मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 2-2.5 महीने हो चुके हैं और अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। यह है BWBS3 ब्लिट्स वुल्फ की तरफ से, और ये सेल्फी स्टिक फ़ोन पर भी यूज़ हो सकती है, आप बड़े कैमरा भी इस पर लगा सकते हो, बट मे बी ये इतना लोड ना ले पाए। तो मैं इसे खोलता हूँ। ये देखो सबसे ऊपर हमें सेल्फी स्टिक रखी हुई मिलती है। ये सेल्फी स्टिक है, वो देखो सेल्फी स्टिक कुछ इस तरह की है, ये ऐसे खुल जाता है। इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरह से भी और इस तरह से। थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी बड़ी और सारी सेल्फी स्टिक की होती है, बट आई थिंक इतनी काफ़ी होती है ग्रुप सेल्फी लेने के लिए जितनी इसकी दी हुई है। ये एल्यूमिनियम की बिल्ड है और इसके अलावा ट्राईपॉड है, देखो ये। तो ये जो है बड़े आराम से खड़ी हो जाती है किसी भी सरफेस के ऊपर इस तरह से। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है ये लंबा वाला, तो इसके अंदर आपको मिल जाती है चार्जिंग केबल, और ये ब्लिट्स वुल्फ की ही फ्लैट वाली चार्जिंग केबल है जिसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा एक बॉक्स और है इसके अंदर, वो मैं निकालता हूँ। तो इसको मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद ये देखो ऐसे पैकेजिंग में आया था, मैंने दोबारा पैक किया है इसे। तो ये देखो ये छोटा सा ये है इसकी अटैचमेंट जिसके ऊपर मेरा कैमरा लग जाएगा, या कोई भी आप कैमरा इसके ऊपर लगा सकते हो, अपना फ़ोन का माउंट भी लगा सकते हो। अगर आपको इस वाले माउंट को यूज़ नहीं करना, इसके ऊपर ही फ़ोन का माउंट दूसरा वाला लगा सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ जो भी है ना जो इस वाले स्क्रू से लगते क्वार्टर इंच हेड इस कुछ बोलते हैं, तो वो आप लगा सकते हो। बताऊँ कि अगर मैंने जैसे अपना फ़ोन लगा रखा है सोचो, और मेरे को जल्दी से फटाफट से कोई पीछे के साइड का शॉट लेना है, जैसे कि मैं अभी अभी एक सेल्फ़ी ले रहा हूँ और सेल्फी लेने के साथ साथ मुझे पीछे कुछ दिख गया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कोई चीज़, तो मैं फटाफट से फ़ोन को पकड़ के कैमरे को पकड़ के वापस मूव कर सकता हूँ। ये मूव हो गया, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसके ऊपर अपना फ़ोन लगा कर दिखाता हूँ आप सबको। बताइए, लग गया फ़ोन। सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगता है कि अगर आपने अपना फ़ोन कहीं आप गए हैं बाहर घूमने के लिए, आपने फ़ोन को ट्राईपॉड ये जो है ट्राईपॉड इसको खोल के लगा दिया है और आपको फ़ोटो क्लिक करने ग्रुप फ़ोटो थोड़ा दूर जाकर, तो इसका कंट्रोलर ये छोटा सा ये इस जगह से लग गया और ये निकल गया, यहाँ से निकल जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को ये। अच्छी बिल्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, और मतलब क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ब्लिट्स वुल्फ में बिल्कुल भी इसके अंदर मैं कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा है प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने ख़रीदा है, वो एक ग्लव्स है नॉर्मल से प्रो बाई करके, बहुत सस्ते वाले ग्लव हैं, कुछ 250-300 रुपये के मैंने खरीदे थे। उसके अलावा ब्लॉगिंग के लिए जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ मैं वो दिखाता हूँ आपको। फ़ोन पर स्विच हो जाता हूँ और दिखाता हूँ मैंने किस तरह से ट्राईपॉड के ऊपर लगा रखा है इसको, पूरा सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा कैमरा, और अभी आप कैमरे को देख सकते हैं कि कैसे लगा रखा है मैंने। पीछे थोड़ा इग्नोर करना, ये मैंने ये चादर से ढक रखा है ताकि बाहर की आवाज़ ना आए या बाहर आवाज़ ना जाए। तो ये कैमरा ऐसे ट्राईपॉड पर लगा हुआ है पूरा का पूरा, और सारा देखो सामान फैला पड़ा है, तो इसको इग्नोर करना। तो ये रहा कैमरा, इसके कैमरे में से वायर निकली हुई है, और ये मैंने माइक लगा रखा है। तो कैमरा के भी मैंने आपको छोटी सी फोटेज दिखाई जो मैंने अपने इस फ़ोन से ली है। तो आपको देखो अगर पूरी वीडियो देखनी है अनबॉक्सिंग वाली और इसके क्या क्या फीचर है वो देखना है, तो मैं एक और आई बटन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल है हर्ष लग्ञान के नाम से, दूसरा है मेरा चैनल एक और, उस पर कम सब्सक्राइबर्स है और मेरा पहला चैनल है और मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं उसके ऊपर, तो उस पर इसकी अनबॉक्सिंग भी है और एक सैम्पल वीडियो भी है, छोटी सी सैम्पल वीडियो है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उससे आपको क्वालिटी और इसका जो पैकेजिंग वगैरह कैसे आता है, किस तरह से आता है, वो आपको और अच्छे तरह चल जाएगा। तो उसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे को कुछ 10-12 हज़ार के आसपास ही पड़ा था, और अब कुछ ज़्यादा प्राइस चल रहा है इसका क्योंकि मैंने गियर बेस्ट से ख़रीदा था,
और उस टाइम पे मैं यूट्यूबर जस्ट मतलब यूट्यूबर भी बना ही नहीं था, यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरा, मैंने उससे पहले ही खरीदे थे इस कैमरे को। और कैमरे की क्वालिटी अभी आप देख रहे हो, अभी भी कैमरा इसी से शूट हो रहा है और आवाज़ भी मेरी इसी से आ रही है। ये मेरा माइक लगा हुआ है। इसके सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है कि मुझे कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा इस कैमरे के साथ। इसका माइक मेरे को इसके साथ मिल गया, ये माइक है इसका, माइक से आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसका माइक मुझे साथ मिल गया जो कि मेरे हेलमेट में यूज़ होता है। बस एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को हमेशा यहाँ डर देते, क्या है कि इसकी एक्स्ट्रा बैटरी यहाँ इंडिया में इंपोर्ट कराना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंगलोर से मैं ख़रीद नहीं सकता, गेयर बेस्ट से मैं ख़रीद नहीं सकता, अली एक्सप्रेस से एक बार मैंने ख़रीदने की कोशिश करी थी, तो जब मैंने पेमेंट करी उसके बाद ही मेरी पेमेंट वापस मेरे पास आ गई अकाउंट के अंदर। तो इसकी बैटरी नहीं आती क्योंकि बैटरी पे बहुत ज़्यादा हमारे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगते हैं, तो बैटरी कोई भी वेबसाइट यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट ही नहीं करती है, सबसे बड़ी बात। और फिर उसका अमेज़ॉन पर है वो 1600 की है, मैंने मंगाई नहीं, मुझे उस पर भी डाउट है कि वो भी आएगी या नहीं आएगी। तो इसकी बैटरी का थोड़ा इशू है और बैटरी बैकअप इसका कुछ अराउंड एक घंटे के आसपास है, मुझे बड़े आराम से मिल जाता है। बट कभी राइडिंग के टाइम जब हम होते हैं तो आप मान चलो 6-7 घंटे का तो रास्ता ही होता है, तो एक घंटे बैकअप में मैं कितना क्या क्या शूट करूँ, मेरे को ब्लॉग भी इसी से करना होता है। इवन मेरे सारे ब्लॉग इस कैमरा से होते हैं टोटली, वृंदावन वाले ब्लॉग, नैनीताल वाले ब्लॉग, सब कुछ इस कैमरा से शूट हुआ है, तो आपको पता चल गया वो क्वालिटी इसकी कैसी है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट छोड़ो ही, मैं पहले बता दूँ सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, और फिल्मोरा यूज़ करता हूँ नॉर्मली, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, उस पर एडिटिंग करता हूँ नॉर्मल सी छोटी मोटी जैसे आप दिखते हो सारी वीडियोज़ के अंदर, वो है। उसके अलावा एक दो प्रोडक्ट जो छोटे मोटे ब्लॉगिंग के अलावा जो मैं कुछ यूज़ करता हूँ एक्सेसरीज़ में, उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये ऑटो ट्रंप का खुद का एक लॉक है, ये लॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे कभी कभी मेरे को हेलमेट कहीं लॉक करना पड़ जाता है, मेरे को बहुत टाइम पहले ऑटो ट्रंप ने जब मैंने हेलमेट का रिव्यू किया था मेरे को दिया था ये, तो उस टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और अब मुझे क्वालिटी सच में इसकी पता चलती है क्वालिटी क्या है इसकी क्वालिटी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस लॉक का जो कोड है वो हम चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे अभी जो कोड है ये 0000 है, तो अब मेरे को अगर लॉक का कोड चेंज करना है तो पहले हमने खोल लिया, इसके बाद यहाँ डायल है, इसको मेरे को सेट के ऊपर लेकर आना है, सेट हो पे सेट कर दिया तो 9999 ये कोड कर दिया मैंने, और इसका जो डायल है वापस मैंने इसी की पोजीशन पे छोड़ दिया, तो इसका कोड अभी 9999 हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये लॉक, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, हेलमेट लॉक करना हो, कहीं किसी जगह पे बाइक स्कूटी कुछ भी कोई भी चीज़ लॉक करनी हो, तो बहुत अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको, सब जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इवन उसके आगे आपको छोटे से ब्रैकेट के अंदर मैं प्राइस भी बता दूंगा क्या क्या प्राइस है इन सबका। इसके अलावा हाँ, सबसे महंगी चीज़ मेरे जो सेटअप में, इस चैनल से पहले जो मेरा चैनल था अर्शला ज्ञान वाला, मैं उस पर इसको यूज़ करता था। तो एक केस है, इस केस के अंदर मैंने रख रखी है बहुत महंगे वाली चीज़, ये बालों वाला आदमी नहीं, ये इसके ऊपर डेड कैट वाला मैंने खुद बनाया है, ये समझ सकते हो ना, मतलब सस्ता जुगाड़ सस्ती मस्ती वाला, तो मैंने खुद बनाया। और ये मेरा माइक है जूम H1, तो ये सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, हद से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इस माइक की। मैं इस माइक को यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि अभी थोड़े टाइम में जब मैं अपना शिफ्ट करूँगा कैमरा, DSLR कोई अच्छा कैमरा लेता हूँ मैं, मिररलेस लूँगा जो भी लूँगा, तो उसमें मैं कोई रोड वगैरह का माइक नहीं लगाऊंगा, मैं इसी को यूज़ करूँगा। मेरी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये एक बैटरी पे चलता है, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालो, इवन इसके अंदर कोई वायर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसके अंदर सेपरेट वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करो और फिर उसको मर्ज कर दो वीडियो के साथ, सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी होता है मर्ज करना। क्वालिटी हद से ज़्यादा अच्छी, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया है और मैं खुश हूँ इससे। अब थोड़ी सी कॉस्ट, जब मैंने लिया था 6000 रुपये का था, इसकी कॉस्ट अब थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि इसका ये एक और नया मॉडल आ गया है, जूम H1N ऐसे कुछ है, तो वो आ गया है, तो अब इसकी थोड़ी कॉस्ट डाउन हो गई। अदरवाइज़ ये वाला माइक बहुत चला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज़ करते हैं, तो एक ये माइक भी मेरा बहुत अच्छा गैजेट है। तो गाइज यही कुछ मेरे गैजेट्स थे जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉगिंग के टाइम पे। मेरे पास कोई राइडिंग जैकेट नहीं है, मेरे पास कोई MT LS2 या फिर कोई भी एग्जॉर का हेलमेट नहीं है, मेरे पास सस्ता सा थंडर है ये जो कि मैंने 1200 रुपीज़ का ख़रीदा था। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो आपको MT या फिर इतने महंगे महंगे हेलमेट खरीदने पड़ेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है, आपको हीरो GoPro 7 ही लेना पड़ेगा, आपको हीरो GoPro ही लेना पड़ेगा, आप नॉर्मल कैमरा लेके भी शुरुआत कर सकते हो। इवन बहुत सारे लोग हैं जो SJ Cam वगैरह भी यूज़ करते हैं, SJ Cam की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मेरे को उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अपने इस Firefly 8SC की लगती है, बहुत अच्छा कैमरा है, हद से ज़्यादा अच्छा कैमरा है। तो बस सस्ते जुगाड़ वाली चीज़ें मेरे पास ज़्यादा, मेरे पास इवन अभी तक राइडिंग जैकेट भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी इतने खरीदने के लिए उसको, तो राइडिंग जैकेट भी मेरे को लेनी है क्योंकि राइड वे मैं जाता रहता हूँ,
उसके अलावा मेरे पास कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने नी पैड ले रखे हों, एल्बो पैड वगैरह होते हैं ना जो सिक्योरिटी के लिए आते हैं, हमारे राइडिंग गियर्स के छोटे मोटे आते हैं, वो मैंने कुछ भी नहीं ले रखा। बस मैं अपना इन्हीं सब चीज़ों के साथ जाता हूँ। बस थोड़े कपड़े जब कभी राइड कर रहा होता हूँ थोड़े मोटे कपड़े पहन लेता हूँ कि गिरूँ तो कम से कम छिलूँ ना मैं इधर से, थोड़े मोटे कपड़े पहन लेता हूँ। मतलब जो ऐसे अभी मैं काम चला रहा हूँ, थोड़े टाइम में मेरे को राइडिंग जैकेट भी लेनी है। यही था सिर्फ इस वीडियो के अंदर, ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, छोटी सी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, मुझे नहीं पता कितने मिनट की हुई है, तो ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने अपने गैजेट्स बताए हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इनकी। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा पैसा मत लगाओ अगर आपको मोटो ब्लॉग करना है, कुछ भी करना है। इवन सबसे पहले आप चैनल का रिस्पॉन्स देखो, आपका चैनल क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ रहा है तो आप उस टाइम पर ये कैमरा वगैरह जितने भी चीज़ें आप महंगी महंगी ले सकते हो। बट अगर चैनल का रिस्पॉन्स नहीं है, अगर आपको मतलब कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मैं तो कहता हूँ कि आप नॉर्मली छोटे मोटे कैमरे से ही काम चलाओ और वीडियो बनाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पर। और एक चीज़ और, मैंने जो एंटॉक के साइड पैनल पर 125 वाला स्टिकर होता है उसके लिए एक स्टोरी डाली थी अभी इंस्टाग्राम पर, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, मेरे को DM कर देना अगर आपको चाहिए वो 125 साइड में जो लिखा होता है साइड पैनल पर एंटॉक के। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मतलब कहाँ से क्या मैं ही शिप कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे मेरी बात हुई है वो एक बहुत बड़ा वेंडर है और वो मतलब रिटेल में काम नहीं करता, वो होलसेल में काम करता है। तो मैं उसे परचेज़ करके फिर आप सबको मैं शिप कर दूँगा। तो अगर आप चाहते हो वो स्टिकर लेना तो आप तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय।